किसान भाइयों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक अमरूद के देख रेख के बारे में बात करूंगा। मेरा एक बाग है 4 बीघे का, जिसमें करीब 240 पौधे हैं, और 240 पौधे ये हमने 25 जून को लगाए थे। एक बार मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार हमने उनमें खाद प्रबंधन किया था, और आज हम फिर उसमें उसके कोई कीड़ा ना हो और उसमें कोई दीमक वगैरह ना आए और थोड़ा खाद भी मिल जाए, इस तरह से उसकी पूरी सर्दियों के लिए सुरक्षा करेंगे। किसान भाइयों, यहाँ यह बताना बहुत उचित होगा कि ये खेत पूरा जैविक है और इसमें हमने 240 पौधे लगाए हैं जो 5 वैरायटी के हैं, और आज ये लगभग 3 माह 5-6 दिन के हो गए। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें हमने प्रति पौधा आधा किलो जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसमें बोन मीट मील, बोन हॉफ मील, ये सब मिले हुए हैं। प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, और बाकी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं इसमें। इसको नीम की खली में मिलाकर हम दे रहे हैं, तो आधा किलो नीम की खली और आधा किलो हम उसमें ये जिसे मैं बोन मीट मील बोलता हूँ, वैसे ऑर्गेनिक मैन्योर है लेकिन प्रचुर मात्रा इसमें बोन मीट मील की है, वो लगवा रहा हूँ। किस प्रकार इसकी तैयारी करते हैं और किस प्रकार लगा रहा हूँ, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं बाग में और देखते हैं। ये मेरा बोन मीट मील है, जिसमें ये 240 पौधों में 250 समझिए 12 पौधे उसके हैं, एप्पल बेर के हैं, तो 150 किलो ये बोन मीट मील हो गया। ये देखिए, ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ, और ये आप इसकी फैक्ट्री का एड्रेस है, यहाँ से मिलता है। ये मुझे 500 रुपये का एक बैग मिला है कट्टा, इसमें 50 किलो है। और ये मैं दिखाता हूँ, रात हमने भिगो कर रखी थी, ये खली है नीम की खली, ये देखिए। और इसी तरह से ये नीम की खली है, ये 150 किलो खली है इनमें। अब इसके ऊपर हम इसको मिलाएंगे, और फिर प्रत्येक पौधे में जो ये मेरे पौधे हैं इनमें लगभग 2 किलो तने से 3-4 इंच दूर लगाएंगे। इससे पहले हमने इनमें ट्राइकोडर्मा से संवर्धित जो है ना 2-2 किलो प्रोम लगाया था, और इसके बाद हम इसमें पानी देंगे, फ्लड इरिगेशन करेंगे, और उसके बाद हम इसमें आधे खेत में, ये लगभग मेरा 4 बीघे का खेत है, आधे खेत में हम चने बोएंगे और आधे में मेथी बोएंगे। ये हमने बोन मीट मील और नीम की खली को मिला दिया है, और इस तसली में 1 किलो है ये, और ये हमारे पास 3 क्विंटल बन गया। ये देखिए, ये देखिए, ये बोन मीट मील है, इस तरह का होता है ये, और जब नीम की खली जो हमने रात को भिगोई थी वो इस प्रकार इसमें मिला दिया है बोन मीट मील में। अगर आपके पास बोन मीट मील नहीं है या बोन मील नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सादा खाद भी ले सकते हैं। उससे मिलाने से सिर्फ एक फ़ायदा होता है कि ये इसमें चिपक जाता है, और फिर ये जब भी पानी देंगे आप, धीरे 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 अपना असर छोड़ता रहता है। और ये जैविक तरीका है, दीमक, वाइट ग्रब, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके पौधे में नहीं आएगा, क्योंकि ये खेत मेरा अभी तक पूर्णतः जैविक है और इसमें मैं जैविक ही करूँगा, इसलिए मैंने ये मंगाया है। थोड़ा महंगा पड़ता है, ये नीम की खली मैंने अहमदाबाद से मंगाई थी, मुझे 18 रुपये किलो पड़ी थी ये, और ये जैविक खाद मैंने बता दिया है, ये 5 रुपये किलो मेरे को पड़ा है जो बोन मीट मील है।
मैन्योर है ये, इसमें कुछ भाग है बोन मीट मील का, तो ये बहुत अच्छा है। और अब हम इसको लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। ये मेरी एप्पल बेर की लाइन है लास्ट में, ये देखिए आप, एप्पल बेर के पेड़ हैं, कितना बढ़िया पेड़ हो रहा है ये देखिए। ये 2 महीने का पेड़ है, ये देखिए, इनमें भी खाद लगा दिया इस प्रकार। और ये हम देखिए इसमें खाद लगा रहे हैं, ये तने से 4 इंच दूर रखना है आपको, और फिर इस प्रकार गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए इस पौधे में करेंगे, ये लगभग हमने नाप किया था 1 किलो के करीब खाद है बस। अब ये इसकी गुड़ाई कर देंगे। किसान भाइयों, साफ सफाई का बहुत महत्व है, जितना अच्छा साफ सुथरा रखेंगे उतने ही पौधे अच्छे होंगे, बीमारी कम आएगी। कल हम इसमें पानी देंगे, और पानी में मैंने 2 लीटर, 1 एकड़ में पड़ता है तो मेरा कुछ 1 एकड़ से कम है, 1.25 एकड़ है, तो 2 लीटर हम इसमें बायो एनपीके डालेंगे पानी देते हुए। और फिर इस खेत में आधे में हम चने और आधे में मेथी बोएंगे, और एक उस तरफ थोड़ी सी लाइन में धनिया भी बोएंगे, हरा धनिया बनाने। ये देखिए इस प्रकार, देखिए कितने अच्छे पौधे चल रहे हैं, ये देखिए कितना फुटान हो रहा है। तो ये फरवरी तक, अभी 2 महीने इनमें, 20 नवंबर तक कम से कम बहुत अच्छी तरह पौधे चलेंगे। और इसके बाद हम फरवरी में के पहले हफ्ते में जब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो पौधा एक छोटी कैनोपी का रूप ले चुका होगा, और उसके बाद फिर हम इसमें खाद लगाएंगे और पानी देंगे, और उसके बाद फिर हम जून में इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखें, देखें इतना अच्छा। ये पौधे हमने जयश्री नर्सरी बनारस से मंगाए थे, किसान भाई मुझसे एड्रेस पूछते रहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.amazingkisan.com, तो उस पर शैलेंद्र रघुवंशी जी, जो हमारे अमेजिंग किसान ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसके सदस्य भी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो वहाँ से हमने बताए थे। और किसान भाइयों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये 240 पेड़ थे, मैं इतना अच्छा अब की बार साथ दिया किस्मत ने, एक भी पेड़, ध्यान रहे मैंने 7-8 पेड़ प्रत्येक वैरायटी के, 5 वैरायटी हैं, एक भी पेड़ मेरा ख़राब नहीं हुआ, और ऊपर वाले की मेहरबानी से सारे पेड़ चल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा पेड़ है, ये देखिए, साफ सफाई में काफ़ी रखवाता हूँ, ये देखिए। और जैसा जैन साहब ने बताया था, और हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं जो गोरखपुर के हैं, मैं जैविक खेती करते हैं, उन्होंने बताया था, तो चने का सजेशन जैन साहब ने दिया था, मेथी का सुरेंद्र सिंह जी ने दिया था, और धनिया का भी, तो ये मैं तीनों लगवाऊंगा, और बहुत बढ़िया बाग होने की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।